मध्य प्रदेश पुलिस पर सरकार का किस कदर दबाव है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जलाने की धमकी देने वाले कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। सांसद साध्वी प्रज्ञा के घंटों पुलिस स्टेशन में बैठे रहने के बाद भी पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। कमलनाथ सरकार के दबाव में काम कर रही भोपाल पुलिस ने जब कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी पर केस दर्ज नहीं किया तो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को कमला नगर थाने में धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस विधायक के खिलाफ FIR नहीं कर पाई। सांसद प्रज्ञा ने थाने में कहा कि मैं खुद चलकर आई हूँ तो लिखित में शिकायत की क्या जरूरत है, अभी FIR दर्ज की जाए। पुलिस अधिकारियों ने आनाकानी की तो साध्वी ने पुलिस अफसरों के सामने चूड़ियां फेंककर आक्रोश जाहिर किया और धरना दिया। मैं यहां 2 घंटे से बैठी हूं, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मुझे कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी है, उसके खिलाफ मैं FIR करने आई हूं और पुलिस प्रशासन फोन पे फोन लगाता रहा, लेकिन ये इतने दबाव में है कि इन्होंने, कांग्रेस सरकार के इतने दबाव में है कि इन्होंने किसी भी प्रकार से FIR करने के लिए मना कर दिया है। और इसलिए अब हम सत्याग्रह करेंगे और इसी थाने के गेट पर धरना देंगे जब तक हमारी FIR नहीं लिखी जाती। मैं न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती हूँ, कानून व्यवस्था में विश्वास रखती हूँ और इसलिए मैं कानूनन खुद थाने चल करके रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ और इन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, इसलिए मैं सत्याग्रह कर रही हूँ। साध्वी के समर्थक इस दौरान पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे रहे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें ऊपर से मामला दर्ज नहीं करने के निर्देश मिले हैं। इसके बाद करीब 1.5 घंटे प्रज्ञा और उनके समर्थक धरने पर बैठे रहे। बाद में BJP हाईकमान से फोन पर बात होने के बाद प्रज्ञा ने धरना समाप्त कर दिया। संसद में नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने घोषणा की थी कि वह प्रज्ञा सिंह को जिंदा जला देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।